नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हूं आपके बीच रात के कुछ खास खबरों संग, और खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से, जहां कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। जी हां, ऊधम सिंह नगर जिले में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में युवक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आहूत ट्रैक्टर रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार किसानों और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज से सूरजपुर तक ट्रैक्टर रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताते हुए वेयर हाउस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया। ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। बीते रोज किसान संगठनों ने भारत बंद के दौरान भी देश के कई हिस्सों में बिल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कई जगहों पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी चलाया। वहीं गदरपुर विधानसभा में मोदी सरकार के कृषि बिल को लेकर रैली निकाली गई और कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आईटी विभाग के जिला अध्यक्ष अरुण कपूर ने खुद ट्रैक्टर चलाकर मोदी सरकार के कृषि बिल के खिलाफ रोष जताया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। इस देश की जो इकोनॉमी है वो किसानों की वजह से चलती है, और आज इस सरकार ने इन किसानों को सड़क पर आने में मजबूर कर दिया है। ये ऐसा बिल लाए हैं जिससे पूरा किसान आज सड़कों पे आ जाएगा, बिल्कुल उसकी मरने वाली हालत हो जाएगी। वो बारिश झेल लेता है किसान, सूखा झेल लेता है, ओला झेल लेता है, लेकिन ये जो बिल है वो किसान नहीं झेल पाएगा। इसके विरोध में आज हमने ट्रैक्टर रैली निकाली है, और अगर इसके बाद भी ये बिल इस सरकार ने वापस नहीं लिया तो ये ट्रैक्टर की रैली जो है ये दिल्ली तक जाएगी। ये सरकार गुंडों की है। इस समय आप देखिए, योगी जी एक साधु का वेश धारण रखते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन उस लड़की का रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया। इससे दुख की बड़ी बात क्या होगी? मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस देश में इस समय ना लड़कियाँ सुरक्षित है, ना इस देश का युवा जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है वो भी सुरक्षित नहीं है। किसान जो आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अपना प्रचार कर रहा है, धरने में बैठा हुआ है, वो भी सुरक्षित नहीं है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, इसको बदलना चाहिए। तैयारी कांग्रेस की पूरी अच्छी है, सारे लोग इस समय बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है। बुलेट ट्रेन की इन्होंने बात की थी, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन बुलेट ट्रेन की तरह ऐसे ऐसे ये आदेश लाए हैं जो सारे वर्क को ख़त्म कर दी जा रही है। कांग्रेस 2022 से पक्का वापस आएगी, और ये सिर्फ बीजेपी की नाकामियां हैं जो कांग्रेस को वापस लेकर आएगी। अगली खबर यूपी के अमेठी जिले से है, जहां बड़ी दुर्घटना को दावत देता ये नाला। जी हां, यूपी के अमेठी जिले में कांग्रेस कार्यालय के पास टाउन एरिया की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नालियों को साफ करने के लिए इंटरलॉकिंग को खोदकर नालियों को तो साफ किया गया, लेकिन गड्ढा अभी तक बरकरार है, जिसकी वजह से आए दिन गड्ढों में बच्चे गिरते हैं। बरसात के समय में घरों में पानी घुस जाता है, जिससे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अभी तक इंटरलॉकिंग सही नहीं हुआ और ना ही नाले को बंद किया गया। लगता है प्रशासन को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। देखिए अमेठी से एके कुमार की रिपोर्ट। कुमार कश्यप, क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया, हम ये नाली से हम बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं, बारिश में पानी भर जाता है, यही सब समस्या है। पूरे मोहल्ले में शिकायत की थी कभी? शिकायत चंद्रा देवी आई, देख के गई, वो कहे बन जाएगा, अस्पताल भर हो गया, नहीं बन पाया। और ब्रिगेडियर साहब कौन, वो भी आए थे, वो भी देख के गए, कहे बन जाएगा, नहीं बना। कितने घर हैं यहाँ पे जिनके पानी घुस जाता है? भैया हमारे घर में भर जाता है, अब भी तो बहुत नुकसान हो गया हमारा। और उसके बाद बगल में भी वहाँ जयसवाल के अभी वहाँ घर भी। कितने कितने टोटल घर हैं? 5-6 घर में लगातार पानी घुसता रहता है, थोड़ी सी बारिश हुई पानी घुस जाता है। नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है। क्या समस्या है? समस्या यही है भैया, नाली खुदा दिए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे नाली में गिर पड़ते हैं। खान खुदा हम लोग न रहें, कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ। काफी गहरा है? गहरा भी है, देखिए नाली वो देखिए, दो दो जगह खुदा दिए हैं। तो आप इसकी शिकायत कभी कहीं की है? कई बार किए हैं, आए थे डीएम और सब आए थे मुआयना करने, उनके सामने तो मैंने गाली ही तो बात किया था, कहीं ठीक है नाम बताइए, हम इसको दो रोज में ठीक करा देंगे। आज तक कोई नहीं सुनवाई हुई। कितने दिन से गड्ढा हुआ है? 4 साल हो गया।
अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां हाथरस दुष्कर्म पर वाल्मीकि समाज का कैंडल मार्च निकाला गया है। जी हां, मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील के अंबा थाना अंतर्गत बीती रात वाल्मीकि समाज के अनेकों युवकों ने हाथरस की संपूर्ण घटना में यूपी की योगी सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को लापरवाही एवं लीपापोती करने व दोषियों को बचाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाला और अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हाथरस का स्थानीय प्रशासन और योगी शासन जानबूझकर वाल्मीकि समाज के साथ उत्पीड़न कर रहा है और यह अत्यंत संगीन मामला है। देखिए अंबा से पवन किरार की रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज के साथ उत्पीड़न कर रहा है और यह अत्यंत संगीन मामला है। देखिए अंबा से पवन किरार। इसलिए किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हमारे दलित वाल्मीकि समाज की बेटी को एक बर्बरतापूर्वक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है ठाकुर समाज के लोगों द्वारा, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उसको साथ चार लोगों ने बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, गर्दन तोड़ी और उसके बावजूद उसकी जीभ काट ली गई। उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसने अपना बयान में सारा कुछ बताया, उसके बावजूद वहाँ के उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे रात के 2 बजे वहाँ से चोरी छुपे ले जाकर हॉस्पिटल से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी बॉडी को उसके माता पिता को भी नहीं दिया गया और इसको लेकर हमारे पूरे दलित वर्ग में बहुत ही रोष है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत रोष है। अगर उन चारों लोगों को फांसी नहीं दी गई तो ये दलित चमार और वाल्मीकि समाज मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम बंद हड़ताल करेगा और बिल्कुल भारत बंद करेगा। हमें न्याय चाहिए और इन चारों लोगों को फांसी चाहिए। जब तक ये फांसी नहीं होगी तब तक हम लोग। जहां बिजली विभाग की लापरवाही से हो रही है दुर्घटनाएं। जी हां, बांदा जिले के थाना मरका क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव की 11,000 वोल्ट की लाइन की तार की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले गांव के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। गाँव में लोगों के घर के छतों के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन की तार सप्लाई की जा रही है, जिससे लाइन के तार टच होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसकी शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधिकारी व कर्मचारी इन तारों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे गांव में लोगों में भारी आक्रोश है। देखिए टिंडवारी से शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? पांडे नाम है। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्णकार पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम साड़ा मरका थाना। क्या कहना चाहते हैं? लाइट के बारे में कहना चाहते हैं, अभी एक हफ्ते पहले हमारा भाई इसी 11,000 लाइन से हमारा करंट लग गया, हमारा भाई खत्म हो चुका है। और ये लाइन के बारे में हमने एप्लीकेशन दिया है लेकिन अभी कोई जाँच नहीं हुई, कोई अधिकारी आए नहीं है जाँच करने के लिए। और लाइन अभी भी नीचे वायर एक लटक रहा है, घर के पास से लाइन गई है। विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं सुनते? कोई नहीं सुनवाई है, कोई अभी तक नहीं आया जाँच के लिए। आपके भाई की मृत्यु कब हुई है? मृत्यु 3 तारीख को हुई। अभी तक कोई अधिकारी आए? कोई नहीं आया। चलिए अगली खबर यूपी के महाराजगंज जिले से है, जहां ग्राम सभा के लकड़ी का गमन हुआ तूतू मैमल। जी हां, महाराजगंज जनपद के फरिंदा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा कैथवलिया सर्वजीत में कल रात में आंधी और पानी के कारण गांव के ग्राम सभा में जमीन पर लगभग 10 वर्ष पूर्व लगे सागौन का पेड़ गिर गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह जब वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग पेड़ को काट कर ले जा रहे थे। उक्त मामले को जब ग्रामीण जानना चाहे तो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति बोला कि हम लोग ग्राम प्रधान से इसे खरीद लिए हैं। जब इस संदर्भ में लोगों ने ग्राम प्रधान से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह लकड़ी अभी बेचा नहीं गया है, वह किसी के घर पर रखने के लिए जा रहा है। इसी मामले को लेकर ग्रामीण काफ़ी उग्र दिखे और सभी ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में फरिंदा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। देखें फरिंदा से अजय सिंह की रिपोर्ट। मौजूद है फरिंदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कैथोलिया सर्वजीत में, जहां पर देखा जा सकता है कि हमारे साथ काफी ग्रामीण मौजूद हैं और यहां पे जो ग्राम सभा का जमीन है इसमें कुछ वर्ष पूर्व जो है सागवान का वृक्षारोपण हुआ था और आंधी में यह पेड़ जो है गिर गया और अवैध रूप से प्रधान के द्वारा उसको बेच दिया गया। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जानते हैं क्या है पूरा मामला। इसे बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही ग्राम सभा महुआ सर, ग्राम सभा कैथोलिया से भी चोला महुआ सर जीत रहने वाला। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ समस्या है सर, रात में जो है आधी आई, 3 पेड़ गिर गए जिसमें से दयाराम गौड़ इन पेड़ों को कटवा के उठा ले गए और जब ग्रामीणों ने रोका तो उन्होंने कहा कि प्रधान ने इस लकड़ी को बेच दिया, मैंने खरीद लिया है और हरे पेड़ को कटवा के उठा ले गए। इस संबंध में जो है आप किसी अधिकारी को अवगत कराए हैं? अभी अधिकारी को अवगत नहीं कराए, अभी ग्राम प्रधान को बुलवा रहे थे, ग्राम प्रधान यहाँ पर नहीं आ रहे हैं।
हम लोग यहाँ से 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं, ग्राम प्रधान का इंतजार कर रहे हैं, पहले उनसे पूछ लिया जाए, अब इसके बाद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अभी हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण मौजूद थे, उनका कहना है कि अवैध रूप से जो है इसको बेच दिया गया है। चलिए हम और किसी एक ग्रामीण का बाइक लेते हैं। इधर वीडियो भैया ले लीजिए पूरा। क्या नाम है आपका? मोहन मिश्र मेरा नाम है, मैं कटपलिया सर्विस कर रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है कि इतने ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर जो है आंधी में पेड़ गिर गया आज रात में, और उस हरे पेड़ को, जबकि वो भी उसका जड़ जमीन से लगा हुआ था, लेकिन उसको जो है एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जो उसको काट लिया गया कुत्ते से। काटा गया है ये दयाराम गौड़ जो है इसी कैथोलिया सर्विस के लिए हैं, और उन्होंने ही इस पेड़ को काट करके उसको टुकड़े में करके कहीं पर उसको रख दिया। आप लोगों ने जब उनसे जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा? नहीं तो वो शोर मचाना शुरू कर दिए, वो कहें कि आपका नहीं है, आपका लगाया नहीं है, ये मैं कटवा लिया तो मैं कटवा लूंगा, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कटवा लूंगा, मैं ग्राम प्रधान से मिल करके काम किया हूँ, ग्राम प्रधान हमको दे दिए हैं, लेकिन न कभी मुनादी हुआ न कोई जानकारी हुआ। अभी रात में बारिश हुआ, आंधी आया, पेड़ गिर गया एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में कट जाता है। वो कब मुनादी करवाए, कब जो है इसका नीलामी हुआ, कब यह किसी के संज्ञान में नहीं है। सारे गांव के लोग देखिए आपके सामने उपस्थित हैं, और ये गलत काम हुआ है। इसको जो है हम लोग उच्चाधिकारियों के समक्ष इसको हम लोग संज्ञान में उनके डालेंगे, लेकिन अभी ग्राम प्रधान को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो ग्राम प्रधान यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जबकि आप लोग वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान यहाँ नहीं अभी तक पहुँचे। ये स्थिति मनमानी है, हर जगह मनमानी यहाँ पर हो रहा है। इस गांव सभा में सिर्फ मनमानी अपने, और किसी को कोई चीज़ अवगत नहीं कराया जाता। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं नहीं जाएं क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।